तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बाद अब सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के ओपीडी कक्ष में मरीजों की भारी संख्या देखी गई। आपको बता दें ओपीडी कक्ष के पर्ची काउंटर के सामने एक एक मीटर की दूरी पर बनाए गए गोले में खड़े होकर लोग बारी बारी से कतारबद्ध होकर अपनी पर्ची कटवाकर डॉक्टर को दिखाएं और सलाह ली। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर प्रशांत सिंह और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा, प्रशांत कुमार सिंह है। ठीक है, इसमें यहाँ जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनको मेनली पेट दर्द, बुखार, कईयों को सर्दी जुकाम, खांसी, सांस फूलना, इस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। और कई सारे ऐसे आ रहे हैं जो बाहर जगह से ट्रैवल करके आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास गुजरात से मरीज आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, ये सारे मरीज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक प्रॉपर डिस्टेंस मरीज के बीच में अपने, जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारे पास जो भी मरीज आया है उनके बीच में और अपने बीच में हम लोगों ने डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। उनसे विदाउट एनी टचिंग, मरीज को बिना टच किए हुए उनका प्रॉपर इलाज करने की कोशिश की जा रही है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन सारे हो रहे हैं, उनके दवाइयाँ हमारे अस्पताल से मिल जा रही हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जो यहाँ मैनेज करने लायक नहीं है, ICU में जाना चाहिए या कैसा है, तो फिर उसको आगे हम लोग मेडिकल कॉलेज की तरफ रेफर करते हैं, नहीं तो हमारे पास एडमिट करके उसको आगे का इलाज करते हैं। मौसम के बदली होने की वजह से खांसी बुखार इस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ मरीज इनको सांस फूल रहा है, इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। OPD गवर्नमेंट के आदेशानुसार जो एसेंशियल सर्विसेज हैं हमारी वो सारी चल रही हैं, सारी आपातकालीन सेवाएं जो है प्रदान की जा रही है, और साथ में जो है OPD में फीवर फ्लू की क्लिनिक, फिजिशियन की क्लिनिक और पीडियाट्रिक्स की क्लिनिक और आर्थो की, ये सारी OPDs और प्लस ARV वाली जो है, जो कुत्ते काटे वाली जो OPD है, वो सब चल रही हैं। मरीजों की संख्या पहले की अपेक्षा वो थोड़ा सा सीजन की वजह से भी थोड़ा गर्मी ज़्यादा होने लगी, इसलिए थोड़ी सी मरीजों की संख्या बढ़ी है। पहले जो है यहाँ 450 के आसपास मरीज थे, आज मरीज करीब जो है 684 के आसपास जो हैं OPD और इमरजेंसी मिला करके आए हुए हैं, तो थोड़ा सोमवार की वजह से भी थोड़ा मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि रविवार जो है छुट्टी का दिन पड़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी संख्या जो है आज करीब 684 के आसपास है। COVID-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसको लेके आम जनमानस से कुछ अपील करना चाहेंगे? आम जनमानस से यही अपील करना चाहेंगे कि धैर्य बनाए रखें, और जो लोग जैसे पैदल
या भाग करके या ट्रकों पर चले आ रहे हैं, इतने वो ना हो, सभी लोगों को जो है घर पहुंचाने के लिए सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। और जो लोग भी अब थोड़े से भी अपने को बीमार महसूस कर रहे हैं या कोई तरह की इनकी परेशानी मान रहे हैं, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र हैं, डॉक्टर्स हर जगह अवेलेबल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, वहाँ दिखावें और प्रॉपरली जो डॉक्टर उनको एडवाइस करें, अगर जांच के लिए कहते हैं या जो भी उनको एडवाइस करते हैं उसको वो फॉलो करें। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और चेहरे पर मास्क लगाएं जिससे कि संक्रमण एक दूसरे से न फैलने पाए। काम करें जिससे कि शरीर स्फूर्त बना रहे, इम्यूनिटी शरीर की बनी रहे, रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहे।